हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर और एक कोच हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल एंग्जाइटी के उपचार के बारे में। ये जो लोग हैं जिनको सोशल एंग्जाइटी, मतलब जिनको बाहर जाने का डर है, जो बाहर नहीं जा सकते, सोशल फंक्शन में, बाहर कोई समाज के फंक्शन में जाने को डर लगता है, लोगों के साथ में मिलना जुलना उसको डर लगता है, उनको अकेले रहना पसंद करते हैं, घबराहट होती है, हाथ पैर में थरथराहट होती है, पसीना आता है, पेट में तकलीफ होती रहती है, वो सफ़र करना टालते रहते हैं, तो इसका इलाज क्या है? जैसा मैंने पहले बताया आपको पहले वीडियो में कि जैसा इनको सबकॉन्शियस माइंड में बहुत डर सा बैठे रहता है। अब ये डर निकालने के लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे यदि हम कदम उठा देंगे, और वो आदमी कदम उठाता है तो वो अच्छा हो सकता है। छोटे कदम कौन से हैं? एक तो ये है कि छोटा छोटा काम चालू करना, मतलब समझो अभी बाहर मार्केट में जाने का डर है तो घर से बाहर निकलना, घर के बाहर दरवाजे के तक जाना या फाटक तक जाना, या घर के बाहर के रोड तक जाना, वहाँ से वापस आना, फिर चौक तक जाना, फिर और आगे के चौक तक जाना, ऐसे रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाना ताकि उनका डर निकल जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अपने आप के ऊपर से ख्याल हटा के लोगों के ऊपर ख्याल देना। जैसा मैं हरदम बोलता हूँ कि बी इंटरेस्टेड इन अदर्स, लोगों के ऊपर रुचि रखो। लोगों को क्या चाहिए? हमारा क्या रहता है, दिमाग हमारे ऊपर रहता है, लोग क्या बोलेंगे, मेरे को लोग कैसा देखेंगे, ऐसा। तो वो नहीं करते हुए लोगों को क्या चाहिए उनके ऊपर, उनके बारे में पूछो, उनके बारे में बात करो, उनके बारे में चर्चा करो। तीसरा, सोशल फंक्शन में जाना चालू कर देने का है। मतलब डर भी है तभी भी अपने आजू बाजू वाले लोगों को बोलने का है कि भाई मुझे आप ज़बरदस्ती लेके जाओ, फोर्स करो, जो भी करना है करो, मुझे ये प्रॉब्लम है और आप लेके जाओ। तो आपके आजू बाजू वाले लोग जो, उनको सीधी बात करके उनको बोलना है कि आप मुझे लेके जाओ और मुझे अच्छा होने का इसमें, तो लेके जाएंगे आपको, आपको एक प्रोटेक्शन देंगे शुरू में, ताकि आपको कुछ हो गया तो वो सपोर्ट करने के लिए आपको मालूम है। नेक्स्ट, आपको ऑनेस्टी, प्रामाणिकता से यदि आप काम करते हो और ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, तो फिर आपको डरने का कोई कारण ही नहीं है। देखो, कहाँ सच्चाई आप छुपा रहे हो, क्या सच्चाई छुपा रहे हो, कहाँ अप्रामाणिकता है, वो यदि निकाल दे तो आपका डर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट, बड़े बड़े समझो आपने एक ऐसे कुछ गोल्स रखे और वो गोल को छोटे छोटे चीज़ों में, मतलब छोटे छोटे माइलस्टोन्स में उसको तोड़ा और छोटे छोटे कदम उठाए। ऐसा लोगों को बोलना कि भाई छोटे कदम मैं रोज़ उठाऊंगा और रोज़ मेरे जीवन में मैं फ़र्क करूंगा, रोज़ डेली कुछ ना कुछ। तो अपने आजू बाजू वाले लोग जो है उसमें का कोई भी एक व्यक्ति पकड़ो, उसको बोलो कि देख मुझे ना रोज़ तरक्की करने की है और मुझे तू पकड़ेगा, रोज़ पूछेगा कि तूने आज क्या तरक्की किया, और रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ एक्शन लेने का है ताकि उसमें उसको यश मिलेगा, सफलता मिलेगी, उसको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट, ये समझो कि आप 720 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, आबादी है दुनिया की, उसमें आप अकेले इंसान हो, आप अकेले हो, आपके जैसा ये दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर प्यार करना चालू करो। बार 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 लोग क्या कहेंगे इसमें न जाते हुए ये समझो कि लोग इसमें मशगूल है, लोग गुल हो गए कि आप क्या कह रहे हो उनके बारे में। मतलब आप ये सोच रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये सोच रहे कि आप क्या कहेंगे, तो उसमें मत जाओ कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे को असेसमेंट कर रहे क्या, लोग मेरे को जजमेंट कर रहे क्या, लोग मेरे बारे में कोई अपना मत दे रहे क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बार बार अपने आप को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो। ड्रेस स्मार्टली, अच्छा स्मार्टली ड्रेसअप करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा अपने आप को मतलब टॉप टिप रखो, जैसा कोई एग्जीक्यूटिव है, ऑफिसर है, या ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति है, ऐसा अपने आप को तैयार करो। कहीं भी आप जाते हो तो वैसा जाओ ताकि अपने आप को अच्छा लगता है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, कॉस्टली बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं, तो हमको भी अच्छा लगता है, तो वैसा करो। ऐसे छोटे छोटे आप कदम उठाओ और उसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करने वाले जो इलाज है, जैसा हिप्नोथेरेपी, सम्मोहन, मैं लोगों को स्वसम्मोहन सिखाता हूँ, सेल्फ हिप्नोसिस, हेटरो हिप्नोसिस,
परसम्मोहन, लोगों के ऊपर सम्मोहन करना, या फिर मेडिटेशन करना, या फिर कोई न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कोई टेक्निक्स है वो सीखना, इससे आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। आपके आजू बाजू में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ प्रमाण में ये समस्या होंगी। ये वीडियो आप जरूर उनको शेयर करो, उनको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आपको लाइक, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो लोगों को। थैंक यू वेरी मच।